धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। मोदी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, नया नया क्रिएशन करना उनकी आदत में शुमार है। नई नई चीजें क्रिएट करना उनकी आदत में शुमार है। लोगों को नए नए जुमले थमा देना, उनके सामने नई नई बातें करना उनकी आदत में शुमार है। ताजा आदत क्या है उनकी, वो थोड़ा सा देख लिए। आजकल उन्होंने जयंतियों पे फोकस किया हुआ है। अभी 28 मई को उन्होंने वीर सावरकर, वीर का दावा करने वाले इस वीर सावरकर की जयंती मनाई है। अब कल वो राज्य अभिषेक के दिन, जो शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 340 साल पहले, उसको हिंदू साम्राज्य स्थापना दिवस के तौर पर मनाने जा रहे हैं, यानी कि एक नई जयंती क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या वो इसको पहले से मनाते आ रहे थे या अब जाकर वो इसकी ज्यादा ब्रांडिंग कर रहे हैं। अपने बेबाक बोल बच्चनों के लिए मशहूर पंकज श्रीवास्तव इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जैसा कि मैं हर बार उनसे बात करते हुए पहले से एक बात कहता हूँ, नोट, उनके द्वारा बोले गए बोल बच्चनों से धाकड़ खबर का कोई लेना देना नहीं है। हमें ये ऐतराज नहीं है कि वो गलत बोलते हैं, हमें ऐतराज ये है कि वो जो शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री पद पर जैसे बैठे व्यक्ति के लिए, उससे हमें ऐतराज है, इसलिए हम लोग ये डिस्क्लेमर लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, कैसे हैं आप जी? नमस्कार, क्या चल रहा है, गर्मी का मजा ले रहे हैं आप? डिस्क्लेमर के बहाने आपके अंदर जो भाजपा सत्रूर शासक का डर और खौफ है वह साफ नजर आता है। क्या भारतीय मीडिया द्वारा चिड़ियों को का आना पाकिस्तान प्रायोजित बताना, या कबूतर का आना पाकिस्तानी जासूसी कबूतर बताना, क्या ये सत्यता है? आज देश के मीडिया का स्तर, देश के अंदर जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, भाजपा की सरकार में देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों का गिर गया। रह गई बात पद प्रधानमंत्री का, वाकई बड़ा है, उनके साथ तजीब से बात करनी चाहिए, लेकिन कब? जब वो सही रूप से जनता के साथ पेश आ रहे हों, जब जनता को कोरोना महामारी ही नहीं, इससे पहले भी जनता को धोखा देने वाले को इज्जत देने की बात नहीं होती है। ये प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में जब कौरव पांडवों की सेना सजी थी, उन्होंने कहा था लड़ाई के मैदान में दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो आपका चाचा हो, गुरु हो या कोई भी हो। रह गई बात आपकी, आपके अंदर डर और खौफ है, आप घबराइए नहीं, सजा हो तो मुझे हो, भाजपा के लोगों में इतनी औकात नहीं है, किन किन लोगों को सजा देगी? ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, खुदीराम बोस का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है, ये अशफाकुल्ला खां का है, रोशन सिंह का है, ये सावरकर जैसे दलाल और मुखर लोगों का देश नहीं। आपने महाभारत का जिक्र किया, महाभारत की जो लड़ाई थी उसे महाभारत के तौर पे जाना जाता है, तो क्या आप मानते हैं कि आपका और प्रधानमंत्री के बीच महाभारत चल रही है? हमारे बीच में पूरे देश के बीच में महाभारत चल रही है। महाभारत में कौन से मुसलमान, कौन से किसी दूसरे धर्म के थे? हिंदू धर्म में रामायण महाभारत जो भी चीज देखेंगे, जो भी जुगाए, वो सब हिंदुओं में ही ले रह गए। रावण कौरव और कंस चूंकि गलत था, इसलिए हम गलत कहते हैं। हिंदू धर्म गलत को गलत कहने की परंपरा शुरू से रही है। प्रधानमंत्री जी चूंकि गलत हैं, इसलिए हम गलत कहते हैं। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक रत्ती भी डरने की जरूरत नहीं। चलिए, आप जिसे डर कह रहे हैं, मैं उसे सभ्यता कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ शालीनता कह रहा हूँ, कि आप अपनी बात रखिए, हम लोग भी खबरें करते हैं, लेकिन ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी उनके बारे में बोलने लग जाए। मजदूरों के लिए ट्रेन बंद कर दी गई, लॉकडाउन लगाया गया है, जब मामले नहीं थे, जब लगाना था तब नहीं लगाए। अब 19 जून को राज्यसभा का चुनाव है, तो लॉकडाउन खोल दिया गया, माने भगवान भरोसे हिंदू होटल है। अब कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा, अब छठे स्थान पर आ गया, संक्रमण के मामले में चौथे स्थान पर आ गया। आप इसके लिए प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं जवाब पूछते? डर लगती है आपको? जवाब पूछिए, लेकिन सभ्यता के दायरे में पूछिए ना, आप तो अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं उनको कुछ भी। अरे प्रधानमंत्री जी 20,00,000 करोड़ का अपने अनुवाद मंत्री, लोन मंत्री के साथ में लगे, जब खर्चा नहीं पूरा तो आरबीआई का भी इक्विटी का जो था वो भी फंड मिला दिए थे, 21,00,000 करोड़ हो गया। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी से नहीं कह सकते? प्रधानमंत्री जी सच बोलना कब शुरू करेंगे? जिस दिन सच बोलना शुरू करेंगे हम उनकी आरती उतारेंगे।
चलिए ये आपका पर्सनल मैटर है, आप कह रहे हैं कि जिस दिन वो सच बोलना शुरू करेंगे उस दिन उनकी आरती उतार जाएगी। हम भी मानते हैं कि बहुत सारी जगह पे गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी सभ्य भाषा में अपनी बातचीत रखनी चाहिए, ये पत्रकारिता का सिद्धांत कहलाता है। अब मैं आना चाहता हूँ अपने मुद्दे पर। आपने देखा होगा कि 28 मई को भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने बड़े जोर शोर से, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लागू था, सावरकर की जयंती को मनाया है और उनका गुणगान किया है, उनका बड़ा इतिहास बताया है, उसे कैसे देखते हैं? ये भाजपा RSS के लोग मदारियों की पूरी टीम है, एक खेला दिखाया नहीं दूसरा खेला दिखाया, कभी सांप का, कभी बिच्छू का, कभी भालू का, कभी बंदर का। सवाल उठता है आजादी के लिए 33 साल के दौरान 80,000 कैदियों को सेलुलर जेल में काला पानी की सजा के लिए बंद कर दिया गया था, उनमें से केवल एक ही अंग्रेजों के से दया याचिका लिखा, माफीनामा मांगा, अंग्रेजों की मुखबरी करी। दुर्भाग्य देखिए, ये जो भाजपा RSS के लोग हैं जब से सत्ता में आए तो वो दुर्भाग्य से उनका सेलिब्रेट करती है, बाकी 79,999 जो देशभक्त थे उनको याद तक नहीं करती है। ये क्या मतलब है भाई? बाकी लोग देशद्रोही थे, बाकी लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी, ये कौन होता है सावरकर? रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा वो गया अमीर, आज जो अंग्रेजों से मुखबरी की, दलाली की, माफी मांगा वो गया वीर, काय का वीर भाई, ये तो कायर था। और दूसरी बात, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का चश्मा, घोड़ी पहन के प्रधानमंत्री जी कहते मैं फक्कर फकीर, यही इमोशनल ब्लैकमेल करने का जो प्रधानमंत्री का है, हम इसी पर फोकस डालते तो आपको बुरा लगता है? चलिए हमें उससे बुरा नहीं लगता, आप जो चले जाते हैं बोलने लगते हैं ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तमाम ऐसी तरीके की भाषाएं आप इस्तेमाल करते हैं, उस पे जाके हमें एतराज होता है। के लोग हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं कि अपनी जनता के लिए ट्रेन बंद कर दो, कोरोना जैसी आपदा के समय में भी आप अवसर ढूंढिए। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने पीपीए किट का घोटाला किया गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से रिंकिया के पापा दिल्ली में जनता को नहीं पूछ के जाते हैं सोनीपत में क्रिकेट खेलने, अब उनकी छुट्टी भी हालांकि कर दी गई। अब सवाल उठता है कि जो जज पीपीए घीट घोटाला पर प्रकाश डाला उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो जज दिल्ली दंगे पर संज्ञान लेता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो जज तेल मालिश वाले बाबा चिन्मयानंद के जमानत देने की बात करता है उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। लोया का क्या हुआ? जज लोया का पता चला तारीपार गृह मंत्री के ऊपर जब जांच चल रही थी तो उनकी हत्या करा दी गई, संदिग्ध स्थितियों में पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री जी पुलवामा के बारे में नहीं बोलते एक बार भी, जिस पुलवामा के शहीदों के लिए 258 करोड़ रुपया सेना के सहायता वीर कोष में जमा हुआ, उनके आश्रित आज भी कोई फल बेच रहे, कोई सब्जी बेच रहा है, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? क्या ये देशभक्ति है? सवाल पूछना क्या गलत है? चलिए सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवालों में आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। पर मैं अगली बात पे आना चाहता हूँ। अब लॉकडाउन हटा दिया गया, आप तो बड़े खुश होंगे, आ जा सकते होंगे, पान वान की दुकान भी आपके मोहल्ले में खुल गई होगी, पान भी खा सकते होंगे। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा निकारा है, जो हमारे देश की जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता कुर्सी के लालच में पड़ा है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय कब होते? जब प्रधानमंत्री के पीएम केयर में पैसा आता है, प्रधानमंत्री जी देश की जनता को बताते देश की आबादी 130 करोड़ है, अरबों रुपए आए हैं, अगर 1-1 करोड़ रुपया भी देते तो पीएम केयर का पैसा नहीं खत्म होगा। क्या ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया? ये महाराष्ट्र में सरकार गिराने के ऊपर लगे हैं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर जनवरी के महीनों में लिया होता संज्ञान, फरवरी में लिया होता, तो इस मार्च तक जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया। ये जितनी भी मौतें हुई है ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो भाजपा सरकार के द्वारा हुई। चलिए अब अगला सवाल पे मैं आना चाहता हूँ। कल यानी कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी, RSS और तमाम जितने उसके संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच का भी नाम उसमें आ रहा है, वो लोग शिवाजी के राज्याभिषेक को ये मना रहे हैं हिंदू साम्राज्य स्थापना दिवस के तौर पर। उनका कहना है कि मुगलों को हरा कर परास्त करने के बाद शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आज से 340 साल पहले, तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए एक हिंदू होने के नाते। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा धर्म गलत को गलत कहना सिखाता है, हमारा धर्म गलत को साथ देना नहीं सिखाता। मैं एक कट्टर हिंदू होने के नाते शिवाजी की प्रशंसा करता हूं, वो वक्त और हालात कुछ और थे,
जो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो हमारे धर्म के हिसाब से महापुरुष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जो लोग उनके नाम पर अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते, छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को ठंडक मिलती कब, जब उन मजदूरों के लिए फ्री ट्रेन की व्यवस्था होती, उन मजदूरों को राशन पानी मुहैया कराया जाता, मजदूर तिल तिल कर रही मरते। ये लोग सत्ता के लिए जाति और धर्म के आधार पर महापुरुषों का महिमा मंडन करते हैं। जिस जाति का कोई देश नहीं होता उस जाति के महापुरुषों को याद भी नहीं करते। ये तो पुरुषों के पुजारी हैं। आप शिवाजी महाराज के नाम से कोई योजना चलाते मजदूरों को, आप जो देखिए ये कोई भी काम प्रधानमंत्री जी बगैर सोचे समझे नोटबंदी लाया, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, माइनस जीडीपी आ गया 5 ट्रिलियन, इनका भाजपा मोदी जी बोलते हैं झूठ, फिर इनके प्रवक्ता आते हैं उसको समझाने में लगते हैं, फिर देश के दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं जिनको किसी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, किसी को नेहरू विजन में मेंबर बनना है, किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है, रजी ने उसका मालिक राज्यसभा का सदस्य सुभाष चंद्रा भारत को लूटा, भारत का लुटेरा था, सभी बात बताएंगे बात बीजेपी के लोग या कोई न्यूज चैनल का लोग यस बैंक में डकैती करी, यस बैंक डूब गया। फिर मुद्दे पे आना चाहता हूँ, सावरकर भी मराठी है और शिवाजी भी मराठी हैं, और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार शिवसेना ने बनाई है वो बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके बनाई है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी हो या आरएसएस हो या उसकी जितनी भी तंजीमें हैं संस्थाएं, वो इसलिए सावरकर और शिवाजी का नाम ज्यादा उछाल रही है ताकि वो शिवसेना को दिखा सके कि ये हिंदू विरोधी हो गई है? सबसे पहले मैं याद दिला दूं आपको, आपने स्वदेशी जागरण मंच की बात करी, पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ देश बचाओ, जब ये हाफ पैंट पहनते थे डंडा ले लेके, अब जब एफडीआई लाया तो स्वदेशी की बात कहां चली गई? जब मजदूरों के लिए काला कानून ला रहे, सर्विक कानून ला रहे, बदुआ मजदूर बनाने की बात की जा रही, तब स्वदेशी की बात कहां जा रहे? प्रधानमंत्री जी बीएमडब्ल्यू कार से चढ़ते हैं, स्वदेशी की बात कहां जाती है? जर्मनी की ये सब चीजें सोचना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी भारत में आजाद भारत में, ये ट्रंप के चचेरे भाई हैं, किस तरीके से अमेरिका में देखिए अमेरिका का जनता कितना जागरूक है, वहां ट्रंप को बंकर में घुसना पड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, हमारे देश की जनता उस पर संज्ञान नहीं लेती है, इतने मजदूर मरे बेचारे, मजदूरों के मौत के लिए कोई बीजेपी का जयंती क्यों नहीं मनाता, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इनको फ्लाइट से पहुंचा दिया जाता, ये मजदूरों के हितैषी नहीं है। इनको चूंकि अब चुनाव बिहार का दिख रहा है, बिहार के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए एन केन प्रकार इनको सत्ता हथियाना एक ही मलमूत्र है कि हमको सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए इनको जो भी करना पड़े। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल जो है फिर मैं वहीं पाऊंगा, सावरकर को याद करना, शिवाजी को याद करना, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवसेना को बताया जा सके कि अब ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई है, ये अब हिंदू विरोधी हो गई है, उस सब के लिए ज्यादा किया जा रहा है इस साल? देशद्रोहियों को याद करना देशद्रोही याद कर सकता है ना, सावरकर तो देशद्रोही था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो आरएसएस के लोग कह रहे थे कि कोई भी हिंदू आजाद हिंद फौज में नहीं जाएगा, नेताजी ने आरएसएस पर बैन लगाने की बात की थी, सरदार पटेल ने बैन लगाने की बात की, तो सावरकर का महिमा मंडन करने की क्या बात होती है? ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं जो देश का पहला आतंकवादी था, उसका महिमा मंडन करने की क्या बात है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये देशद्रोहियों की पूजा करने वाले लोग हैं, देश में अमन भाईचारा की बात ये नहीं करते। अब हम ये नहीं कहते आप किसको मानते हैं नहीं मानते हैं, ये आपका मसला है, आप जश्न मनाइए सब कुछ सही है, लेकिन देश में कोरोना जैसी महामारी के टाइम में आप उन महापुरुषों को याद करके ही उनको मदद कर लेते हैं ना। जो भाजपा हर बात में नंबर जारी करती है, चाहे सीए एनआरसी के संबंध में हो, सदस्यता अभियान के चक्कर में हो, इतने दिन हो गए, आज कितना दिन हुआ पता है आपको जी? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते 1 करोड़ कार्यकर्ताओं ने देश भर में वो बांटा है, खाना बांटा है, 5 करोड़ लोगों को कार्यकर्ता प्रतिदिन खाना खिला रहे, आज 71 दिन हो गया, इस हिसाब से 355 करोड़ थाली इन्होंने खाना बांटा है, देश ने तो नहीं देखा है। जब ये लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि ये रेल जो है ममता बनर्जी महाराष्ट्र की सरकार, झारखंड की सरकार, उड़ीसा की सरकार चलने नहीं दे रही, जब इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट नियम के अनुसार किसी राज्य से अनुमति लेने की सरकार को जरूरत नहीं थी, अब ये रेल क्यों खोल, अब सब कुछ खोल रहे हैं क्या, राज्यों से पूछ के खोल रहे हैं?
ये सबसे बड़ा सवाल होता है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपकी बातों में दम बहुत होता है, क्योंकि आपने कहा कि डीएम एक्ट जो लागू हुआ है, सारी पावर्स जब केंद्र सरकार के पास आ गई है तो प्रदेश सरकार से पूछने का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से पांचवा लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है कि अनलॉक है, इसमें भी कहा जा रहा है कि हम राज्यों से पूछ रहे थे ज्यादा, राज्यों के कहने के बाद हम लोगों ने ये लॉकडाउन हटाना शुरू किया है। तो बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्ते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। हाजिर, फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।